कांगड़ा चंबा की जनता ने लोकचुनाव में जो मुझे भारी लीड देकर सांसद बनाया है, जिसके लिए मैं जनता का हमेशा आभारी रहूंगा। यह बात कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने ज्वाली में आयोजित धन्यवाद समारोह के दौरान कही। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर देश और प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जनहित के लिए शुरू योजनाओं व पार्टी नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर ही जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है तथा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समस्या से निपटने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं तथा वहाँ के उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जल्द धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर मोदी सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें किसान सम्मान योजना की भूमि की सीमा खत्म कर दी, वहीं छोटे दुकानदारों व दिहाड़ीदारों के लिए पेंशन की योजना व GST देने वाले दुकानदारों की अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे 10 लाख के मुआवजे का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनावों में जनता के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की तरफ तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत सांसद किशन कपूर और विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली विधानसभा के 218 पात्र लोगों को करीबन 26,15,000 राशि के चेक वितरित किए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत सारी नीतियां गरीबों के लिए बनाई। और हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार, जिनकी एक साल की उपलब्धियां जो थी, सभी जो कार्यकर्ता हमारे पन्ना प्रमुख तक यहां बैठे हैं और अन्य पदाधिकारी पार्टी के, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में की हैं। कुछ बातों का तो मुझे उस वक्त पता लगा जब अभिभाषण हो रहा। किसान सम्मान निधि जो पहले जिसकी सीमा थी 50 कनाल तक, अब कोई सीमा नहीं, सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई है। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की योजना, मजदूर के लिए पेंशन की योजना, और उसके साथ साथ किसान मजदूर उनके लिए पेंशन की योजना है, छोटे दुकानदार के लिए पेंशन की योजना है। पर एक बात मुझे उस वक्त अभिभाषण में सुनने को मिली, जो GST देता है दुकानदार, अगर दुर्घटना में उसकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 10 इंडस्ट्रियल पैकेज आया था, अगर उसकी अपनी कंपनी की ये होती तो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा निवेश आता और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलता। अब हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विदेश के दौरे पर गए थे, जर्मनी में गए थे, कई MOU साइन किए हैं और कल फिर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं ताकि निवेशक यहाँ आए और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीडिया की हो रही है ताकि इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में आए, यहाँ निवेश करें और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिले। इस संकल्प के साथ हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार आगे बढ़ रही है।